जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑल इन वन सीरीज में, जिसमें हम एक नहीं बल्कि दो ऐसे न्यूज़पेपर कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मतलब द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा मतलब द हिंदू। और आज हम 17 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है दोनों ही पेपर में, काफ़ी मजा आएगा। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जॉर्डन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको इज़राइल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको इजिप्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपको रेड सी नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ स्वेज नज़र आ रहा है। तो ये जो है ये कौन सा गल्फ है ये आपको बताना है। इस गल्फ का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको वीडियो को पॉज करना है, इसका नाम लिखना है और वीडियो को रिज्यूम करना है। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो ये भी बोलते हैं कि वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि वीडियो अपलोड कब हुआ है। तो इसके लिए मैं टेलीग्राम पर जो भी नोटिफिकेशन है वो दे दिया करता हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो पीडीएफ के लिए भी और वीडियो अपडेट्स के लिए भी। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इतने सारे आर्टिकल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इसराइल है वहाँ पर इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम इलेक्शन के बारे में जानेंगे। वहाँ के पार्लियामेंट किस तरीके की है, वहाँ पर किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ है, थोड़ा बहुत हम वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर द हिंदू में एक आर्टिकल आया है इसराइल और पाकिस्तान की जो टाइज है उसके बारे में, तो दोनों आर्टिकल को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर सऊदी जो है उसके ऑयल फैसिलिटीज़ पर यहाँ पर जो अटैक किया गया था उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन अभी थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है इसका और डिटेल में बताया गया है, तो अच्छी तरीके समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं, तो पब्लिक सेफ्टी वही आर्टिकल है पब्लिक सेफ्टी के बारे में, तो ये दोनों साथ में मिलकर देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्पेंड टू ग्रो, तो ये आर्टिकल हमारी जो इकोनॉमी है उसके रिगार्डिंग बात करता है, तो ये वाला आर्टिकल। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है दोनों में सॉल्यूशन ओरिएंटेड देखेंगे, क्योंकि देखिए जो फैक्ट्स है मतलब इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है, जो हमारी सेविंग्स है वो कितनी घसर गई है, उसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है मतलब जो भी इकोनॉमी में कमतरता आई है वो कौन कौन से ग्राउंड में कितनी आई है वो हमने कई बार देखा है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है वो बात करेंगे दोनों ही आर्टिकल को मिक्स करके। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बोला गया है, तो ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनके बारे में बताया गया है, उनकी तारीफ की गई है, तो पॉलिटिकल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर जी उनके द्वारा बताया गया है। और उसी के साथ साथ द हिंदू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हिंदी जो है उसे यहाँ पर जो प्रमोट करने की बात की गई थी अमित शाह के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। अब देखिए, आर्टिकल में हमारे एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी कम चीज़ें दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के जरिए काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा जो कि आर्टिकल में नहीं दी गई है। तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला आर्टिकल आता है जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, जिसे हम पीएसएबी कहते हैं, उसे गवर्नर की एसेंट रिसीव हुई थी 8 अप्रैल 1978 को। अब देखिए, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में जो लॉज बनाती है वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है। अब बिल जो है वो किसी भी एक हाउस में जो इंट्रोड्यूस होता है, अगर वो दोनों हाउस में पास हो जाता है फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट जब अपनी एसेंट दे देते हैं तब वो लॉ में तब्दील हो जाता है। उसी तरह स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें भी जब पास हो जाता है वो बिल, उसके बाद गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर जब एसेंट दे देते हैं तब वो लॉ में तब्दील हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर है उनके द्वारा एसेंट मिली थी और ये लॉ में तब्दील हो गया था। और इस एक्ट को ऑफन जो ड्रैकनियन लॉ है वो भी कहा जाता है। क्यों रेफर किया जाता है, इसे समझने से पहले हम थोड़े हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसे समझ लेते हैं कि एक इंसान को, जैसे हम आप जैसे इंसान हैं जो सिटीजन्स हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड किस तरीके से दिया गया है। तो इसमें हमें आर्टिकल 22 ए जो है वो देखना पड़ेगा, ये हमारे संविधान का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसमें बोला गया है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बींग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज ही मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल ही बी डिटेन्ड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। मैं मानता हूँ काफ़ी मुश्किल है ये जो वर्डिंग्स है समझना, लेकिन मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान शब्दों में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा।
अब देखिए इसमें बोला क्या गया है, अगर कोई पर्सन है उसे बिना इन्फॉर्म किए डिटेन्ड नहीं किया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई ऑफिसर है आकर सीधा उसे डिटेन कर रहा है, हाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले ऑफिसर जो रहेगा उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपको डिटेन करना चाहते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेगा क्यों डिटेन करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो ग्राउंड से अरेस्ट किए वो बताने पड़ेंगे कि क्यों हम आपको डिटेन कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जब इसे डिटेन किया जाएगा उसके बाद भी इसे डिफेंड करने का अधिकार दिया जाएगा कि खुद को वो डिफेंड कर सकता है, खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। किसके द्वारा? लीगल प्रैक्टिशनर जो होता है, मतलब जो वकील होता है उसकी चॉइस का, उसके द्वारा उसे खुद को डिफेंड करने का भी अधिकार दिया जा सकता है। उसी के साथ साथ आर्टिकल 22 बी जो है वो कहता है कि किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट किया गया हो तो उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब इस इंसान को डिटेन किया गया, सब मतलब इन्फॉर्म कर दिया गया, उसके जो रीजंस है वो बताए गए, उसके बाद उसे डिफेंड करने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर जो उसके चॉइस का वो भी दिया गया, उसके बाद भी 24 घंटे के अंदर अंदर इस पर्सन को जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इस इंसान को बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के, बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के 24 घंटे से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो पुलिस वाले, अगर उनका मन कर रहा है यार 24 घंटे ज़्यादा भी इसको डिटेन रखते हैं, काहे को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना, हाँ ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और फिर अगर मजिस्ट्रेट बोलता है कि हाँ अभी इसे कस्टडी में रखो तो ही रखा जा सकता है, नहीं तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये जो 24 घंटे हैं जो टाइम पीरियड दिया गया है मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करने का, तो उसमें जो ट्रैवलिंग टाइम है वो एक्सक्लूड किया जाता है, जर्नी का जो टाइम है। तो मोस्टली क्या होता है, जो अगर एक्स्ट्रा टाइम चला गया तो जर्नी में बता देते हैं कि जर्नी में ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन ये जो संविधान सिटीजन को अधिकार देता है बिना परमिशन के डिटेन ना करने का, मगर ये जो संविधान के दो आर्टिकल्स है जो हमें मगर ये जो संविधान के आर्टिकल हमें नजर आ रहे हैं जो कि सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर इस आर्टिकल का और एक सेक्शन हमें नजर आता है, आर्टिकल 22(3)(b). ये क्या करता है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है, देखिए प्रिवेंटिव और पुनिटिव ये दो होते हैं। पुनिटिव मतलब क्या है कि अगर किसी ने गुनाह किया उसके बाद उसे अरेस्ट करना, मतलब किसी का मर्डर कर लिया उसके बाद उसे अरेस्ट करना, ये हो गया पुनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है कि पता है कि ये जो इंसान है किसी का तो भी मर्डर करने वाला है, तो होने के पहले ही उसे डिटेन कर दो। मतलब जो क्राइम है उसे प्रिवेंट करने के लिए जो डिटेन किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये जो आर्टिकल 22(3)(b) है ये अलाव करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, या फिर जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर रिस्ट्रिक्शन को ये अलाव करता है। कौन से ग्राउंड्स पर? तो जब स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो या फिर पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो। मतलब अगर हमारी स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा होता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, मतलब स्टेट की सिक्योरिटी को अटैक होने से पहले ही उसे डिटेन किया जाए, उसे हम कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। और अगर पब्लिक ऑर्डर में कुछ घपला हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उससे पहले ही उसे अरेस्ट किया जाए उसे हम कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमारा संविधान ही इसके लिए भी अलाउ करता है। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में पता चल गया है, अब चलते हैं हम इस एक्ट पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का है। अब देखिए जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला के द्वारा। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि देखिए उस वक्त जो टिम्बर है उसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो स्मगलिंग को रोकने के लिए, यहाँ पर स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो ये एक्ट है वो लाया गया था, जिससे कि हम स्मगलिंग को प्रिवेंट कर सके। अब इसके तहत क्या हो रहा था कि जो भी स्मगलर्स है उन्हें पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाए, मतलब पहले ही हिरासत में लिया जाए, जिससे कि जो स्मगलर्स है उन्हें सर्कुलेशन के बाहर ही रखा जाए। मतलब जैसे कि हमने उसमें भी देखा है कि कुछ एक्ट होने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर लेना, क्राइम होने से पहले ही प्रिवेंट कर लेना, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इस एक्ट के तहत जो स्मगलर्स है उन्हें यहाँ पर सर्कुलेशन की बाहर ही रखा जाता था। तो ये एक्ट जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये किसी भी पर्सन को डिटेन करने का अधिकार प्रोवाइड करता है जो भी 16 साल की उम्र से बड़ा होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 16 साल की उम्र से बड़ा है उसे डिटेन किया जा सकता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है बिना किसी ट्रायल के, मतलब नो वकील नो दलील, बिना किसी ट्रायल के, बिना उसे इन्फॉर्म किए कि क्यों डिटेन किया जा रहा है 2 साल के लिए।
मतलब देखिए, अगर सरकार को ये अधिकार दिया जाता है कि वो रैंडमली किसी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के, बिना उसे इन्फॉर्म किए, बिना उसे ग्राउंड बताए कि क्यों डिटेन किया जा रहा है, अगर ये अधिकार दे दिया जाता है तो इसका सरकार मिसयूज़ भी तो कर सकती है। और वैसा ही हमें देखने को मिला, स्टार्टिंग से ही ये जो एक्ट है इसका मिसयूज़ हमें देखने को मिला। और किसके अगेंस्ट में? जो पॉलिटिकल अपोनेंट होता है उसके अगेंस्ट में, मतलब ये अपोनेंट है ना, चलो डिटेन करो, इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हमें मिलिटेंसी देखने को मिली, मतलब जो सेपरेटिस्ट लोग हैं वो देखने को मिले। सेपरेटिस्ट मतलब क्या है कि एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और वो जम्मू एंड कश्मीर की जनता है उन्हें बोलेगा कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये भारत सरकार तुम्हारा कोई मदद करने वाली नहीं है, पाकिस्तान को तुम बिलोंग करते हो, पाकिस्तान की सरकार जो है वो तुम्हारी मदद करेगी। तो मतलब क्या है, ये सेपरेट कर रहा है, सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे सेपरेटिस्ट कहा जाता है। और ऐसे जो लोग हैं इनके अगेंस्ट में PSA जो है वो किया गया, मतलब इन्हें PSA एक्ट के तहत डिटेन करना शुरू किया गया। अब देखिए, जो हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर है बुरहान वानी, जुलाई 2016 में उसकी हत्या की गई और 100 ऑफ यूथ जो है वो वैली में इकट्ठा हो गए और इन्हें PSA एक्ट के तहत डिटेन किया गया। और ये जो डिटेंशन पीरियड है जो 2 साल का हमने देखा था उसे भी एक्सटेंड किया गया। और 2018 में इस एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाता है जिसके तहत जो इंडिविजुअल है उसे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, तो अगर वो जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में भी है तो वहाँ भी उसे डिटेन किया जा सकता है, मतलब स्टेट के बाहर भी डिटेन किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें हम 2 केस जो है वो देखते हैं। पहला केस आता है कि ये जो व्यक्ति है अगर ये स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है, मतलब स्टेट की सिक्योरिटी जो होती है उसमें अगर बाधा लाने की कोशिश कर रहा है तो इस इंसान को डिटेन किया जा सकता है 2 साल के लिए। और अगर कोई व्यक्ति है अगर वो लॉ एंड ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में कुछ अड़थड़े ला रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस इंसान को डिटेन किया जा सकता है इस एक्ट के तहत 1 साल के लिए। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर 2 साल के लिए किसे डिटेन किया जा सकता है और 1 साल के लिए किसे डिटेन किया जा सकता है। अभी जो डिटेंशन ऑर्डर है ये कौन इशू कर सकता है? तो जो डिविजनल कमिश्नर है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसके द्वारा इशू किए जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो डिटेनिंग अथॉरिटी रहेगी उसे जो फैक्ट्स है डिटेंशन के वो भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हम यहाँ पर डिटेन कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं इस एक्ट के। अब ये जो सेक्शन 22 है इस एक्ट का, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट में? तो कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है इस एक्ट के गुड फेथ में, मतलब नो सूट प्रोसिक्यूशन और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ इन परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जी हाँ, समझने में थोड़ा मुश्किल जा रहा है पर मैं हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। यहाँ पर एक ऑफिसर है, अब ये ऑफिसर अगर किसी भी इंसान को डिटेन करता है और उसे बिना बताए कि क्यों डिटेन किया जा रहा है, बिना उसे कोई वकील दिए, तो ये सही है या गलत है? ये गलत है ना, हमारे संविधान के तहत, हमारा जो संविधान का आर्टिकल हमने देखा था उसके तहत ही गलत है। और उसी के साथ साथ अगर ऐसा कोई ऑफिसर करता है तो उसके अगेंस्ट में कार्यवाही की जाएगी, मतलब प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, लीगल एक्शन जो है वो ली जाएगी। मगर इस एक्ट के तहत अगर कोई ऑफिसर किसी इंसान को डिटेन करता है और ये जो डिटेंशन है ये इस एक्ट के गुड फेथ में है, ये जो एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसे अगर ये अपलिफ्ट करता है तो फिर इस ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई भी डिटेंशन नहीं किया जाएगा, लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं की जा सकती है। तो यही सेक्शन 22 कहता है। सेक्शन 23 क्या कहता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में ये पावर है कि वो कोई भी रूल्स लेकर आ सकती है जो भी इस एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग, कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का वो यहाँ पर अपलिफ्ट हो सके। मतलब सरकार जो है उसके हाथ में ये पावर दी गई है कि जो भी चेंजेस उन्हें लाना है एक्ट में वो ला सकती है। तो ये सेक्शन 22 और सेक्शन 23 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफगार्ड दिए हैं इसके बावजूद ये जो एक्ट लाया गया है तो ये किसका सहारा ले रहा है? तो ये जो आर्टिकल 22(3)(b) है इसका सहारा ले रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में प्रोविजंस बताए गए हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया जा सकता है और इसका ही सहारा लेकर ये एक्ट लाया गया है जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए, अगर सिक्योरिटी को थ्रेट हो और पब्लिक ऑर्डर का हो तो 1 साल के लिए। तो अब आपको इस एक्ट के तहत जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड वो सब कुछ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है, जो सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटी है उस पर यहाँ पर अटैक किया गया। ये हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने इसकी झलक देखी थी, आज थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैप के जरिए देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें सऊदी अरेबिया, यमन नज़र आता है, यहाँ पर तो दिया हुआ है लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं।
तो ये हमारी खूबसूरत धरती, जब हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो नज़र आता है। सऊदी अरेबिया के लिए थोड़ा सा वेस्ट में जाना पड़ेगा, अरेबियन सी को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर हमें सऊदी अरेबिया नज़र आता है। सऊदी अरेबिया, नीचे आपको यमन नज़र आता है, और उसी के साथ साथ जो पर्शियन गल्फ है, उसी के साथ साथ गल्फ ऑफ ओमान है वो ऊपर नज़र आएगा। नीचे आपको रेड सी, गल्फ ऑफ एडन नज़र आएगा, और इसी के पास वो जगह है जो मैंने आपको मैप में पूछी थी, मैप बेस्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर आओगे तो यहाँ आपको इज़राइल जो है वो नज़र आएगा, और उसी के साथ साथ इज़राइल के थोड़ा नीचे आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा नज़र आएगा, जो मैंने आपसे पूछा था। तो ये मैप बेस्ड एक्सरसाइज है जो मैंने आपसे पूछी थी। तो गल्फ ऑफ अकाबा है, और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ स्वीज़ नज़र आएगा, क्योंकि स्वीज़ कैनाल हमें यहाँ पर नज़र आता है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर इज़राइल है, इज़राइल की भी पोजीशन आप देख लीजिए, क्योंकि आगे हम इज़राइल के बारे में देखने वाले हैं, तो हम सीधा मैप देखेंगे, जो भारत है उसके थ्रू इस तरह जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इज़राइल जो है वो भी आपको नज़र आ गया होगा, यहाँ पर वेस्ट बैंक है, यहाँ पर आपको गाज़ा स्ट्रिप जो है वो भी नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से पूरा मैप जो है हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि लड़ाई शुरू है सऊदी अरेबिया और यमन में, जो हौतीज़ है यमन के, तो उनके बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में लड़ाई शुरू है। अब जो हौतीज़ है उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर आप ईरान देख सकते हो उनका। तो अब हम वो जो हमारा आर्टिकल है उस पर जाते हैं, और पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब यहाँ पर सैटरडे को क्या हुआ, जो हौतीज़ है यहाँ पर यमन में, जो हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने ड्रोन से अटैक कर दिया सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटीज़ पर, मतलब जहाँ पर ऑयल होता है सऊदी अरेबिया का, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है सऊदी अरेबिया ऑयल का, और ऑयल मोस्टली यहाँ पर जो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो नज़र आ रहा होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो मोस्टली उनके जो शिप है वो यहीं से गुजरते हैं। तो इस तरीके से जो ऑयल है उस पर उसने अटैक कर दिया। अब इसके वजह से हुआ क्या है, जो ऑयल की क्वांटिटी है वो कम हो गई है, ऑयल का सप्लाई यहाँ पर कम हो गया है, है ना, और सभी कंट्रीज़ को ऑयल जो है वो तो लगता ही है, भारत जो है उसे भी लगता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ड्रोन से अटैक किया गया, तो सऊदी का जो एरेमको है, स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी, उसने जो प्रोडक्शन है वो भी सस्पेंड कर दिया ऑफ ऑलमोस्ट 6 मिलियन बैरल्स पर डे, और उसी के साथ साथ उन्होंने जो कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी जो होती है, उसे भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया 2 मिलियन बैरल पर डे पर। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सप्लाई है ऑयल का वो अब कितना कम हो गया होगा। और ऑब्वियस है कि किसी भी चीज़ का अगर सप्लाई कम हो जाता है तो जो डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, और जिस वजह से जो रेट्स है वो बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑयल सप्लाई शॉक है वो कितने एक्सटेंट पर हमें देखने को मिल सकता है, तो अगर आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखोगे, उनके अकॉर्डिंग तो सेकेंड हाफ ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर वहाँ पर हमें 0.8 मिलियन बैरल पर डे ये डिक्लाइन देखने को मिल ही रहा था, क्योंकि पहले ही जो सप्लाई है उस पर स्टैग्नेशन आ गया था, मतलब यहाँ पर सप्लाई जो है उस पर स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था, जो एक स्थिरता है वो देखने को मिल रही थी, इसलिए डिक्लाइन जो है वो ऑब्वियस था। और इस वजह से जो ऑयल प्राइजेस थे वो ऊपर जाने ही थे, क्योंकि जब भी क्या होता है, जब सप्लाई जो है स्टैग्नेशन हो जाता है उसमें, मतलब जो कंट्रीज़ है उन्हें नहीं लगता है। अब कंट्रीज़ को ऑयल कब नहीं लगेगा, जब हमें रिसेशन देखने को मिलेगा, मतलब स्लो डाउन देखने को मिलेगा, तो अब ऐसे कि सब कुछ वहाँ पर कटौती आ जाती है, इसलिए जो ऑयल सप्लाई है उसमें भी कमतरता आ जाती है। और इसीलिए यहाँ पर ऑयल के रेट बहुत कम ना चले जाए, इसीलिए जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो क्या करती है, जो सप्लाई है उसमें कम कर देती है, जिससे कि जो प्राइजेस है वो बराबर मेंटेन रहे। यहाँ पर लेटेस्ट डिसरप्शन जो हुआ है उससे एडिशनल 6 मिलियन बैरल पर डे ये सब्सटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है, मतलब इतना डिसरप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बोला गया है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्टैब्लिश की गई थी इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब OECD। कब की गई थी, 1974 में की गई थी, और उसी के साथ साथ क्यों की गई थी, क्योंकि ऑयल क्राइसिस हमें देखने को मिले थे 1973 में, उसके वजह से, मतलब ऑब्वियस है कि ऑयल क्राइसिस से रिलेटेड ही कुछ चीज़ होगी। तो IEA जो है ये इनिशियली जो फिजिकल डिसरप्शन होता है ऑयल के सप्लाई में उसके लिए ये काम करती थी, और उसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है और स्टैटिस्टिक है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के बारे में और जो बाकी के एनर्जी सेक्टर है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, किस तरीके से ऑयल सप्लाई चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कितना डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ IEA जो है ये एज अ पॉलिसी एडवाइज़र एक्ट करती है उसके मेंबर स्टेट के लिए कि किस तरीके की पॉलिसी रहनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ जो नॉन मेंबर्स कंट्रीज़ है, स्पेशली जो चाइना है, भारत है, रशिया है, उनके लिए भी ये काम करती है, मतलब हमें ये पता चलता है कि चाइना, भारत, रशिया इसके पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है।
और ये जो एजेंसी है ये फोकस करती है 3 E's पर, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी सिक्योरिटी पर भी ध्यान देती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी देती है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर भी देती है। और क्लाइमेट चेंज जो है ऑब्वियस है कि जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर देगी तो क्लाइमेट चेंज जो है वो उसका एक मोटो रहने ही वाला है। और अल्टरनेट एनर्जी सोर्स जो है उसे भी प्रमोट करने का ये काम करती है। अब देखिए जो IEA मेंबर्स है उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है जो टोटल ऑयल स्टॉक रहता है, और उसी के साथ साथ सिर्फ OECD मेंबर जो है वही सिर्फ IEA के मेंबर्स बन सकते हैं। अब OECD क्या है वो भी आगे देखेंगे, डोंट वरी। अब इसमें चिले, आइसलैंड, इजराइल और स्लोवेनिया ये अगर छोड़ दे जो कि OECD के मेंबर है, तो बाकी जितने भी कंट्रीज है सब IEA के मेंबर्स है। 2014 में अगर हम देखते हैं तो इस्तोनिया जो है उन्होंने IEA को ज्वाइन किया था और 29th मेंबर कंट्री बना था। उसी के साथ साथ 2018 में मैक्सिको जो है उसने IEA को ज्वाइन किया और वो 30th मेंबर बनता है। मतलब टोटल हमें जो IEA है उसमें कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 30 मेंबर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, थाईलैंड ये एसोसिएटेड मेंबर्स है IEA के। अब हम OECD के बारे में जान लेते हैं। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 36 मेंबर देखने को मिलते हैं और 1961 में फाउंड की गई थी जिससे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस वर्ल्ड ट्रेड में हमें देखने को मिले। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 16th April 1948 फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हमें देखने को मिलता है और मेंबरशिप 36 कंट्रीज की हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए ये तो हमने देख लिया था कि सऊदी अरेबिया पर अटैक होने की वजह से जो भी डिसरप्शन है वो देखने को मिलने वाला है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो है उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि ठीक है डिसरप्शन तो आ रहा है, जो भी आना है आएगा, लेकिन इनफ ऑयल बफर जो है हमारे पास देखने को मिल रहा है करंट डिसरप्शन से लड़ने के लिए। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि जितना ऑयल है उतना ही यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, उस वजह से यहाँ पर जो कंट्रीज है वो काम कर रही है। कंट्रीज जो है वो डिसरप्शन से लड़ने के लिए अगर कोई ऐसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके लिए अपना स्टोरेज भी करके रखते हैं कि इतना स्टोरेज रहेगा अगर कोई भी डिसरप्शन आता है तो ये जो ऑयल है ये काम करेगा जिससे कि बहुत ज़्यादा जो प्राइजेस उसमें फ्लक्चुएशन ना हो। अब OECD कंट्रीज जो है उनके पास 2.93 बिलियन बैरल्स कमर्शियल पेट्रोलियम इन्वेंटरी जो है वो देखने को मिल रही है जो कि अच्छे खासे इसमें काम आ सकती है। मतलब ये जो डिसरप्शन आया है उसमें ये जो ऑयल रिजर्व है ये काम आ सकता है। अब देखिए अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं तो प्राइजेस ऑलरेडी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 10% जो है उसमें हमें ऑलरेडी प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिला है। अगर ब्रेंट प्राइस देखते हैं तो वो थी 66.6 पर बैरल मंडे इवनिंग तक, और उसी के साथ साथ 20% इसमें जंप जो है वो देखने को मिला है, और लाइकली ये जो है 75 पर बैरल जो है वो जा सकता है। अब देखिए ये जो बैरल्स है ये बहुत ज़्यादा तादाद में खरीदे जाते हैं, इसलिए $1 भी अगर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पर। अब इसके लिए US जो है उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो रिजर्व यहाँ पर है ऑयल के वो यहाँ पर सप्लाई किए जाएंगे जिससे कि जो डिसरप्शन आया है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर अच्छी चीज़ है, अगर US की तरफ से ऐसी कोई हेल्प आती है तो प्राइस फ्लक्चुएशन जो होगा उसमें कटौती आ सकती है। और देखिए जैसे कि हाउतीज़ जो है उन्हें सपोर्ट दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, और इसीलिए हाउतीज़ ने जो अभी यहाँ पर ड्रोन अटैक किया है तो वो प्रोवाइड किया गया था ईरान की तरफ से, ऐसा इसराइल भी कह रहा है और USA का भी कहना है। इसलिए कल हमने जो न्यूज़ देखी थी कि ईरान जो है वो कह रहा है कि ये सब कुछ झूठ है और अगर ऐसा है तो हम लड़ने के लिए तैयार है, वॉर के लिए भी रेडी है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर अभी मोर देन वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखिए USA के पास जैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, क्या भारत के पास भी ऐसा कुछ है? तो जी हाँ, भारत के पास भी ऐसा है जिससे कि इस तरीके के डिसरप्शन आते हैं तो हम लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर पुदूर है, मैंगलोर है, विशाखापट्टनम है और यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, लेकिन ये कितना हेल्पफुल हो सकते हैं? तो देखिए ऐसा कोई डिसरप्शन आता है तो 12 दिन के लिए हम यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं कि 12 दिन के लिए हमारे पास ऐसा है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन है एकदम से देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर हम भारत पे इम्पैक्ट देखते हैं तो देखिए भारत जो है वो 80% ऑयल जो कंज्यूम करता है वो इम्पोर्ट करता है। मतलब आप सोचिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टिंग से ही आता है। अब फर्स्ट इशू जो है वो सप्लाई का ही आ जाता है। अब देखिए भारत जो है वो ईरान से जो ऑयल है वो इम्पोर्ट करता था, लेकिन USA ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए, इसलिए अब ईरान से भारत जो है वो ऑयल नहीं ले पा रहा है। लेकिन फिर भी भारत ने इस पर तरकीब निकाली थी, भारत जो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता ही है, लेकिन फिर भी जितना उसे लेना चाहिए उतना वो नहीं ले पा रहा है। अब इराक, सऊदी अरेबिया भारत का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है,
तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया का अगर यहाँ पर कटौती आ जाती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की सप्लाई पर भी। अब देखिए सऊदी अरेबिया जो है उसने अश्योर्ड किया है कि यहाँ पर सप्लाई जो है उस पर हम डिसरप्शन नहीं होने देंगे, हमारे पास ऑलरेडी है इतना, आप तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई जो है उसमें यहाँ पर वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो इससे भारत पर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ भारत जो है वो 1.6 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल करंट फिस्कल ईयर में इंपोर्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है, $1 भी अगर इंक्रीज होता है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब लगभग $1.6 बिलियन का इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है, उतना इंक्रीज हो सकता है। अब ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन से गुजर रही है, जहाँ पर जो खर्च है वो ज़्यादा नहीं कर पा रही है सरकार, फिस्कल डिफिसिट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे सिनारियों में अगर इतना जो बर्डन है वो आ जाता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट का फिस्कल बैलेंस है वो यहाँ पर गड़बड़ा सकता है, जो भी उन्होंने सोचा है कि हम इतना यहाँ पर स्लो डाउन से बाहर आने के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, तो अगर दूसरा कोई सडनली सेटबैक आ जाता है ऑयल का तो यहाँ पर ये जो लड़ने के लिए, स्लो डाउन से लड़ने के लिए जो भी यहाँ पर योजनाएं बनाई गई है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रुपी है वो भी घसर सकता है, वो भी गिर सकता है। अब यहाँ पर देखिए रुपी ऑलरेडी उसकी जो कीमत है वो नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो और रुपी यहाँ पर वीकन हो सकता है। अब ये क्यों होगा तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिक्स किया गया है $1 = 50 rupees, ठीक है। अब ऐसे सिनारियों में एक बैरल की कीमत है $1, तो यहाँ पर अगर किसी को भी खरीदना है, अब यहाँ पर ये खरीदने आ रहा है तो ये क्या बोलेगा, चचा $5 दो, पाँच बैरल खरीदना है। अब $5 मांगने जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये रुपी देगा, मतलब $5 खरीदेगा तो कितने रुपी इसे देना पड़ेगा, 2500, इतनी रुपी ये देगा तब जाकर उसे $5 मिलेंगे और फिर ये 5 बैरल जो है वो खरीद सकता है। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर बैरल के रेट बढ़ जाते हैं, मतलब $1 = $2 हो जाता है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसे अगर 5 बैरल खरीदने हैं तो अब इसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा रुपी देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सप्लाई किस चीज़ का बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है रुपी का, डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है, इस इंसान को क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। मतलब अब ये क्या बोलेगा, चचा $10 दो, 5 बैरल खरीदना है, अब ये $10 के लिए ज़्यादा पैसे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सप्लाई बढ़ रहा है रुपी का, डिमांड बढ़ रही है डॉलर की, जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसका सप्लाई बढ़ता है उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, इसलिए रुपी की जो वैल्यू है वो गिर सकती है और फिर $1 हो सकता है 60 rupees का। तो इस तरीके से रुपी की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी अगर जो डॉलर है, बैरल है, उसके भी रेट यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो अब आपको पूरा पर्सपेक्टिव इस आर्टिकल के जरिए समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है जो इसराइल है, वहाँ पर हमें इलेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। अब ये इलेक्शंस क्यों आ रहे हैं, अभी अभी तो इलेक्शन हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब कौन से हो रहे हैं वही तो हमें इस आर्टिकल में देखना है। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ जो इसकी जो प्रोसेस है वो भी पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने 1996 में, यहाँ पर उनकी फ़ोटो आप देख सकते हो, और फिर 3 consecutive terms में वो इलेक्शन जीतते हैं, 2009 में भी, 2013 में भी, 2015 में भी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आइकॉनिक प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, डेविड बेन, उनको उन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर के तौर पर पीछे छोड़ दिया। मगर अब उन पर जो इल्ज़ाम है वो लग रहे हैं, जैसे कि ब्राइबरी के, फ्रॉड के, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, इस तरीके के लग रहे हैं, और इसीलिए उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो यहाँ पर ख़तरे में आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोएलिशन की सरकार हमें देखने को मिल रही है, और जब भी वो होती है इस तरीके के इल्ज़ाम अगर लगते हैं तो अपना सपोर्ट जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पर अभी इलेक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब सेकेंड इलेक्शन जो 2019 में अभी देखने को मिल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखिए इसराइल में 120 सीट हमें देखने को मिलती है। अब वहाँ की अगर पार्लियामेंट देखते हैं तो उसका नाम है नेसेट, यहाँ पर आप देख सकते हो नेसेट वहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है, जहाँ पर हमें 120 सीट जो है वो देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ मेंबर जो है वो सिंगल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट होकर आते हैं, और उसी के साथ साथ सीट जो है वो पार्टीज़ को अलोकेट की जाती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। हमारे यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, लेकिन लोकसभा में कौन सा होता है, डायरेक्टली होता है, हम जाकर एक ही इंसान को वोट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, काफ़ी लोगों को एक साथ वोट करना होता है, प्रेफरेंस देना होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पार्टी जो है उसे कम से कम 3.25% ऑफ नेशनल वोट जो है वो जीतने होते हैं, जिससे कि वो सीट पार्लियामेंट में हासिल कर पाए।
और जो मेंबर है वो सर्व किए जाते हैं 4 ईयर्स के लिए, लेकिन अर्ली इलेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए वोटिंग जो है किस तरीके से की जाती है, फॉर अ पार्टी नॉट अ कैंडिडेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम यहाँ पर कैंडिडेट को करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस इलेक्शन में खड़े रहेंगे वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को वोट किया जाएगा, या फिर उनके सब्स्टिट्यूट जो रहेगा उसे वोट किया जाएगा, राहुल गांधी जी को वोट किया जाएगा, तो हम कैंडिडेट को वोट करते हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं करते, कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं। लेकिन इसराइल में पार्टी को वोट किया जाता है, मतलब पार्टी के जो लोग हैं वो वहाँ पर आएंगे और उसके लिए 3.25% जो है वो उतने चाहिए रहेंगे। पार्टी हैज़ टू पास 3.25 इलेक्टोरल थ्रीशोल्ड जिससे कि वो पार्लियामेंट में एंटर कर सके, और अगर उन्हें जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करना है तो 61 सीट जो है वो चाहिए होती है जिससे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। और फिर जैसे हमारे यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी को बेस्ट चांसेस है कि वो कोएलिशन के थ्रू यहाँ पर सरकार जो है वो फॉर्म कर सकती है। और फिर कोएलिशन जब हो जाता है उसके बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है कैबिनेट में वो दिए जाते हैं। इस तरीके से इसराइल के इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। अब वहाँ पर 120 सीट्स जो देखने को मिल रही है उसमें अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनके अलग अलग सीट्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब वहाँ पर कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख सकता है कि जो अभी एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उनके पास कितने यहाँ पर सीट्स नज़र आ रहे हैं, और हाईएस्ट जो है उनकी पार्टी को यहाँ पर है तो 35 सीट्स उनके देखने को मिलते हैं, उनकी पार्टी के देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप अपोजिशन देखोगे तो वो भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अपोजिशन के पास एट प्रेजेंट अगर सिनारियो देखा जाए, ये इतना एक्यूरेट नहीं है लेकिन एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 60 सीट जो है वो अपोजिशन के पास भी देखने को मिल रही है, और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कितनी चाहिए, 61 सीट चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लिक्विड है वहाँ पर हमें 38 सीट्स एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है, और जो शाज है शाज इनके पास एट प्रेजेंट देखा जाए तो 8 सीट देखने को मिल रही है, और यूनाइटेड तोरा जो जुडाइज्म है उनके पास भी 8 सीट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर अपोजिशन साइड में देखते हैं तो ब्लू एंड वाइट जो सेंट्रिक लिबरल है उनके पास यहाँ पर जो ले उन्होंने अलायंस फॉर्म किया है उसके पास 35 सीट जो है एट प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर होने की वजह से जो मेजोरिटी होती है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर दो लीडर जो है, मतलब जो एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब जो नेथन यू है उसी के साथ साथ ये है लिबरमैन। अब यहाँ पर जो क्रिटिक्स है लिबरमैन के वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को हटाकर खुद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मतलब टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं इसराइल के। अब देखिए मेन इलेक्शन जो है वो किस में रहने वाला है, एक तो जो नेथन यू है इनके बीच में रहने वाला है और दूसरे रहेंगे गैंट्स, तो इन दोनों के बीच में मेन इलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो इसराइल है उनके रिलेशन यहाँ पर यूएसए के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं, उसी के साथ साथ जो रशिया है उनके साथ भी काफ़ी अच्छे हैं, तो दोनों के साथ रिलेशन अच्छे रहने के वजह से यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा जो है वो भी मिल सकता है। उसी के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ भी उनके रिलेशन अच्छे हैं। अब जो यहाँ पर गैंट्स है वो यहाँ पर काफ़ी नए हैं लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रांग है उनके एरिया में अगर इसराइल में देखा जाए तो इसीलिए एट प्रेजेंट बताया नहीं जा सकता है कि कौन यहाँ पर चुनकर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के रिलेशन भारत के साथ इसराइल के साथ है तो यहाँ पर अगर यही चुनकर फिर से आते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा भारत के लिए भी। अब यहाँ पर वोट कौन करेंगे, तो जो 18 साल के ऊपर के हैं वो सब यहाँ पर वोट करेंगे, मतलब 5.8 मिलियन लोग जो है वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो पैलेस्टाइन रेसिडेंट है, पैलेस्टाइन रेसिडेंट आप सभी को पता होगा जो इसराइल में पैलेस्टाइन रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं, उसी के साथ साथ जो वेस्ट बैंक के हैं और गाजा स्ट्रिप के यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वो यहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे पैलेस्टीनियंस हैं जो कि ईस्ट जेरूसलम में रह रहे हैं, वो भी यहाँ पर वोट करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो होल्ड नहीं करते हैं। अब देखिए इसराइल जो है वो मोस्टली जीविश ये बेसिस पर बेस्ड है। अब इसी के साथ साथ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो इनसे काफ़ी चिढ़ती है क्योंकि इसराइल और पैलेस्टाइन जो है उनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, और इजिप्ट जो है उसके रिगार्डिंग इजिप्ट ने भी काफ़ी बार हमला किया है इसराइल पर। अब ऐसे सिनारियों में अगर सोचिए कि कोई इस्लामिक कंट्री अगर उनसे फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करे जहां पर इस्लामिक कंट्रीज उनसे चिढ़ती है तो फिर किस तरीके का एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिल सकता है, तो वैसा ही हमें आज नज़र आ रहा है जहां पर पाकिस्तान जो है वो इसराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी जो इसराइल है उसने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन जो है वो अच्छे बनाकर रखे हैं, जैसे यूएसए के साथ, रशिया के साथ, भारत के साथ जो रिलेशन है इसराइल ने काफ़ी अच्छे बनाकर रखे हैं। अब देखिए सब कुछ यहाँ पर रिलेशन पर ही चलता है, और ख़ासकर अगर आपकी यूएसए और रशिया बड़ी इकोनॉमीज जो उसके साथ अगर अच्छे रिलेशन हो फिर आपको जो पूरी दुनिया है वो भी आपको पूछती है।
और इसीलिए इसराइल जो है उसने वही किया। उनके रिलेशन बहुत सारी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं, मतलब 193 यूएन मेंबर स्टेट जो है उनके साथ भी उन्होंने काफी अच्छे रिलेशन जो यहाँ पर मेंटेन करके रखे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब देखिए, भारत ने फुल डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ जनवरी 1992 में यहाँ पर स्थापित किए थे। और इसराइल के साथ अगर हमारे ट्रेड देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए सब कुछ कहाँ पर अटकता है? ट्रेड पर ही अटकता है। अगर आपके ट्रेड किसी कंट्री के साथ अच्छे हैं, मतलब आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन उस कंट्री के साथ अच्छे हैं, उसी के साथ साथ जो टाइज हैं वो और भी स्ट्रांग होते गए। जैसे स्टेट सेंट्रिक जो थ्रेड्स होते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं दोनों कंट्रीज ने जब साथ में काम किया है। तो इसलिए काफ़ी हेल्पफुल ये कंट्री भारत के पर्सपेक्टिव से भी देखी जाती है। अब देखिए, जब यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो उसके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो अपना दोस्ती का हाथ है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि शुड इंडिया वरी? भारत को क्या यहाँ पर वरी करना चाहिए? उसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इससे बेटर सर्व्ड हो सकता है। कैसे? अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसके अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, इसराइल के रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे हैं, यूएसए के रिलेशन पाकिस्तान के साथ ख़राब होते जा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान यहाँ पर इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है तो हो सकता है कि यूएसए और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर का काम भी इसराइल कर सकता है, जिससे कि यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन सुधर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक टाइज को बंद कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो यहाँ पर फिर से शुरू हो सकता है। उसी के साथ साथ जो FATF है उससे भी पाकिस्तान को छुटकारा मिल सकता है। लेकिन देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो काफ़ी जो डोमेस्टिक कंजर्वेटिव इस्लामिक ग्रुप्स है वो यहाँ पर पाकिस्तान से किनारा कर लेंगे, और पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत तो उनकी ही है, बट ऑब्वियस है। अब देखिए, उसका दूसरा पहलू भी एक निकल सकता है, जैसे कि भारत जो है वो सक्सेसफुली इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में एक अच्छा एक बैलेंस मेंटेन बनाकर है, उसी तरीके से इसराइल जो है वो भी पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मेंटेन करने के लिए काम आ सकता है। जैसे कि पाकिस्तान जिस तरीके से जो आतंकवादी हमले करता है तो वहाँ पर रोक लगाई जा सकती है इसराइल की तरफ से। मगर देखिए, इसराइल जो है वो बहुत कम ऐसे चांसेस है कि पाकिस्तान के साथ इतनी जो दोस्ती है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि इसराइल का जो इंटरेस्ट है डिप्लोमेटिक टाइज का वो काफ़ी अलग है, मतलब जो टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं उनके साथ इतनी दोस्ती इसराइल की नहीं हो सकती है। तो इसीलिए वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है इसराइल की तरफ, तो कितनी ये दोस्ती जो है वो फल फूल सकती है। तो ये पूरा सिनारियो डिप्लोमेटिक रिलेशन इस आर्टिकल के जरिए बताए गए हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है जो ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसे बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर बोला गया है स्लोडाउन से जो है वो कैसे बचा जा सकता है। GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये दो वीडियोज़ देखे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। ये आर्टिकल में मैंने जो 5 सजेशंस दिए थे मनमोहन सिंह के द्वारा, तो वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और किस तरीके से इकोनॉमी को अच्छा बनाया जा सकता है वो भी डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, क्योंकि रोज़ ये चीज़ें जो है वो चलती रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बेसिकली इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है दोनों आर्टिकल्स मिलाकर। सबसे पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसे बढ़ाने की बात की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जाता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, नो डाउट, क्योंकि अगर रोड बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने ही वाली है। तो उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उनकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सेविंग जो है वो काफ़ी कम है। और ये हमने लास्ट आर्टिकल में सारे जो फिगर्स है वो देखे हुए हैं, इसलिए फिर से देखने में कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड देखते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, जो भी आपने एक डाटा बनाया होगा ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में उसमें आप ऐड कर सकते हो ये भी सजेशंस। उसी के साथ साथ सेविंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस है खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कंजम्पशन हो सकता है। उसी के साथ साथ देखिए, हम एजुकेशन जो है उसमें काफ़ी पीछे हैं। अगर आप अलग अलग रिपोर्ट्स भी देखोगे, जैसे हमने एसर रिपोर्ट भी देखी थी 2018 की, मतलब 70-74% बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल रेगुलरली नहीं जा पा रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिस वजह से स्किल फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को स्किल के वजह से भी जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही है। जॉब ना मिल पाने की वजह से स्लोडाउन जो है वो अक्सर हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए पर एजुकेशन को भी इंप्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखते हैं तो 71.4% जो है उतना हमारा लिटरेसी रेट हमें देखने को मिल रहा था 2015 में, लेकिन अब जो अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे कि रवांडा हो गया, मोरक्को हो गया, कांगो हो गया, उन्होंने भी हमें पीछे छोड़ दिया लिटरेसी के मामले में।
उसी के साथ साथ हेल्थ जो है उसमें भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हेल्थ के वजह से कुछ ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। अब हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हेल्थ साथ ना दे तो फिर लोग काम नहीं कर पाएंगे। और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अपने यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है, उस पर भी हमने एक सेपरेट आर्टिकल देखा था। तो ये भी एक इम्प्रूव करते हैं तो उससे भी जो ओवरऑल इकोनॉमी वो बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें क्षमता आ जाती है। अगर हेल्थ अच्छी हो तो क्षमता आती है कि अच्छे तरीके से काम कर पाए, अपना इन्वॉल्वमेंट दे पाए। उसी के साथ साथ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है उसका एक्सपांशन होना चाहिए, जिससे कुछ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर देखते हो तो एग्रीकल्चर की हालत कितनी ख़राब है, वहाँ पर कितने क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि रूरल इकोनॉमी जो है वो बढ़ नहीं पा रही है। उसकी वजह से ट्रैक्टर का सेल कितना नीचे आ गया है। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर तीन जैसे सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। प्राइमरी मतलब आप एग्रीकल्चर समझ सकते हो, जहाँ पर डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग समझ सकते हो, टर्शरी मतलब जो सर्विस सेक्टर है वो समझ सकते हो। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन लेबर इंटेंसिव जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पर चले गए थे, इसीलिए यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पर भी एक स्टैग्नेशन आ गया है, मतलब उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है नहीं ले पा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वहाँ पर भी लेबर इंटेंसिव नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर इसीलिए लेबर्स की कटौती देखने को मिल रही है, मतलब स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखते हैं तो भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। हमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना चाहिए, जिससे कि हमें बार बार शिफ्ट ना होना पड़े, नहीं तो बार बार हम शिफ्ट हो रहे हैं कि एक बार डेवलपमेंट कर ली उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो अच्छी तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम रख सकते हैं। ग्रोथ जो है उसी रीजन में हमें करना है ये पता रहेगा, और उसी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं जो इन दो आर्टिकल्स में बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आता है हिंदी जो है उसे पुश करने के लिए, हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस। अब यहाँ पर हिंदी दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है भारत की, उन्होंने हिंदी रिटन जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है उसे एज ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था। देवनागरी मतलब किस तरीके से होता है, मतलब ये हो गया इंग्लिश में मयूर, और उसी तरह अगर ये मयूर लिखा जाए तो ये हो गया देवनागरी में। अब देखिए हिंदी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की भी, उसी तरीके से फिजी की भी, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर हिंदी जो है वो बोली जाती है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी कम दिया हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पर अमित शाह जी ने इस तरीके से कहा था कि हिंदी जो है उसे प्रमोट करना चाहिए, पूरी भारत में एक जो लैंग्वेज है उसे अपनाना चाहिए, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, खासकर साउथ स्टेट से, कि भाई हिंदी को क्यों आप यहाँ पर थोप रहे हो। अब देखिए जो हमारा ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी जी एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी जो हिंदी है उसे लाने की बात की गई थी, तो उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म इसका हो रहा था कि आप हिंदी को थोप क्यों रहे हो। हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिकनेस होती है और उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, और उस तरीके से जिस तरीके से उन्हें कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेट कर सकती है। लेकिन हमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ही अगर हम एक कंट्री की लैंग्वेज रखते हैं तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। यहाँ पर अमित शाह के द्वारा बोला गया था कि अगर हम बाहर कुछ रखना चाहते हैं, एक तरीके की लैंग्वेज के बारे में प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो कौन सी लैंग्वेज रहेगी। तो एक लैंग्वेज अगर होती है तो बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे कि चाइना जो है उसने ये बात समझी है, तो वो एक ही लैंग्वेज को वहाँ पर प्रोपोगेट करता है, एक ही लैंग्वेज को प्रमोट करता है। अब हिंदी को अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो हम यूएन में भी, जैसे कि आपको पता होगा यूएन में भी बात की गई थी कि यूएन में भी एक हम हिंदी को प्रोपोगेट करते हैं, वहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट लगेगा 2/3 मेंबर का, मतलब 193 जो मेंबर्स हैं उनमें से 129 लोगों का वहाँ पर सपोर्ट लगेगा, तब हम हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए यूएन में 6 ऑलरेडी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, कौन कौन सी, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन। तो इस तरीके से जब हमें लैंग्वेजेस देखने को मिल रही है और अगर हमें हिंदी को भी इंक्लूड करना है तो इतने लोगों का सपोर्ट लगेगा। अब ये तो भारत ले लेगा आराम से, सपोर्ट तो उसे मिल जाएगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी लगते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें दूत रखना पड़ेगा, वहाँ पर हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम जो यहाँ पर एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ये जो एक्सपेंसेस है अगर ये भी भारत बियर करने के लिए रेडी है, उसके बाद भी ये बोला जाता है कि फिर जो भी भारत की तरफ से वहाँ जाएगा वो ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है कि हिंदी जो है उसमें वहाँ पर जो भी संभाषण है वो करेगा। लेकिन अगर साउथ का कोई प्रधानमंत्री बन जाता है और अगर वो यूएन में जाता है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर वो इंग्लिश में प्रोपोगेट करेगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूएन में अगर आप हिंदी को प्रमोट करना चाह रहे हो तो ये इतनी सही बात नहीं है। उसी तरीके से यूएन जो है उन्होंने एक वीकली न्यूज़ बुलेटिन भी हिंदी में शुरू किया है। अब देखिए भारत की भी अगर हम बात करते हैं तो 41% जो है वो हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 59% लोग अगर
वो इंग्लिश में प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, इंग्लिश को अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं कि भाई एक लैंग्वेज रहेगी पूरे देश की, वो रहेगी इंग्लिश, तो यहाँ पर 41% जो है उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो उन्हें यहाँ पर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस है कि आपको एक ना एक लैंग्वेज तो सीखना ही है किसी ना किसी को। तो यहाँ पर अगर हिंदी को प्रोपोगेट किया जाता है तो एक भारत की लैंग्वेज जो ऑलरेडी यहाँ पर इतनी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है वो यहाँ पर हम इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। और अगर हम इंग्लिश को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं तो स्कूल जो है वहाँ पर भी इंग्लिश जो है उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, और फिर स्कूल की जो फीस है वो बढ़ सकती है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इंग्लिश को पढ़ना या फिर उसके लिए जो फीस है वो प्रोवाइड करना, तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स का T20 में एक हमें न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलती है कि एक आदमी जो है उसकी डेथ हो गई है जो मैकपाई अटैक है उसके वजह से। तो इसीलिए मैकपाई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में अक्सर हमें देखने को मिलता है और डिस्क्राइब किया जाता है ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट अकम्प्लिश्ड सॉन्ग बर्ड, और ये ओमनीवोरस है। उसी के साथ साथ यहाँ पर डाइट जो है उसमें काफ़ी इनवर्टिब्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं और लीस्ट कंसर्न है, अगर हम IUCN स्टेटस देखते हैं तो लीस्ट कंसर्न है। तो ये चीज़ें इस बर्ड के बारे में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।